नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं लक्षिता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में शहीद 10 जवान और एक ड्राइवर की आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बस्तर सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, 2 साल बाद प्रदेश में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले से छत्तीसगढ़ में गर्मा गर्मी का माहौल है। शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने भी दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कारली में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद अंतिम विदाई के साथ जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नक्सली इस हमले की तैयारी 4 दिनों से कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली है और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा भी की है। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।